हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन करेंसी की। आखिर ये बिटकॉइन क्या है और ये इसमें आपको निवेश करना चाहिए या न करना चाहिए, इसके बारे में आज अपन बात करेंगे। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है और क्रिप्टो करेंसी क्या है और कैसे काम करती है, इसके बारे में आपको पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा हो मेरा वीडियो तो मैं आपको लास्ट एंड स्क्रीन में मेरा वीडियो का आएगा, आप जरूर देखना कि क्रिप्टो करेंसी क्या और कैसे काम करती है और क्या होती है, तो उस पूरा डिटेल मैंने उस वीडियो में आपको समझाया। आज अपन बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में कि आखिर इतना आज क्रिप्टो करेंसी में सबसे नंबर वन बिटकॉइन है और सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू भी बिटकॉइन की है, तो अपन को बिटकॉइन को आम आदमी को निवेश करना चाहिए या न करना चाहिए, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। और इसका आविष्कार किसने किया और जब ये बिटकॉइन लॉन्च हुई थी तो तब इसकी क्या वैल्यू थी, इसके बारे में आज हम जानेंगे। चलो देखते हैं अपन। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, ये इसका आविष्कार संतोषी नाको मातो ने किया था 2009 में। जब ये 2009 में आई थी तब एक बिटकॉइन की कीमत अपने इंडियन रुपीस में 36 पैसे थी। अब आप यह गौर करने की बात है, जब ये बिटकॉइन फर्स्ट अपने इंडिया जब ऑल ओवर वर्ल्ड में जब ये लॉन्च हुई थी, जब लॉन्च हुई तब इसकी कीमत सिर्फ 36 पैसे थी। अगर उस वक्त आप बिटकॉइन को खरीदते थे, एक बिटकॉइन को खरीदते 36 पैसे में आ जाती, तो उस वक्त ये वैल्यू थी। और आज एक बिटकॉइन की अगर इंडिया के रुपीज़ के ऊपर बात करें तो 27 लाख रुपए की थी। अब यहाँ नोट करने की बात है, देख लेना, अब 36 पैसे एक बिटकॉइन और आज 27 लाख, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू, आप देख सकते हैं। और यह वैल्यू डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, 2009 से 2021 चल रहा है अभी, अब देख लीजिए कितने ईयर में और कितना डिफरेंस आया है। ये सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में ही पॉसिबल है। एक आम इन्वेस्टमेंट जैसे आप बैंक में एफडी कराते हो या फिर आप म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो इतना रिटर्न किसी में भी नहीं मिलता है, ये सिर्फ बिटकॉइन में ही पॉसिबल है। ये हाईएस्ट $60,000 गई थी ऊपर, इसका हाईएस्ट ऊपर जाने का रिकॉर्ड है $60,000। अब अगर अपन कहते हैं कि इस अगर 2009 में अगर आप ₹100 इसमें इन्वेस्ट करते, या नोट करना आप, 2009 में अगर ₹100 के बिटकॉइन भी अगर आप ले लेते तो उस वक्त आपको 36 पैसे के हिसाब से 277 बिटकॉइन आपको मिलते। अगर आप 2009 में जब लॉन्च हुई थी तभी अगर आप बिटकॉइन खरीद लेते तो ₹100 इन्वेस्ट करने पर सिर्फ 277 बिटकॉइन आपको मिल जाते। अगर आज उस 277 बिटकॉइन को अगर आप रखते अपने पास में तो 2021 में के हिसाब से आपको 277 × 27 लाख तो ये आपके हो जाते 75 करोड़। देखिए आपके ₹100 बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते तो आज वह ₹100 75 करोड़ हो जाते। अब इसको आप क्या कह सकते हो, ये तो एक तरीके का कुछ भी है, मतलब असंभव ही है, ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है? इसीलिए बिटकॉइन को सबसे रिस्की कहा जाता है। बड़े बड़े लोगों ने कहा कि बिटकॉइन में हाथ डालना अपने हाथ आग में जलाने जैसे हैं। बिटकॉइन बहुत ही रिस्की है, अगर आपके पास पैसा है, अगर आपने डाला है, अगर वो 100% सुरक्षित नहीं है, इसलिए सोच समझ के ही इन्वेस्ट करें। अगर आपका लक अच्छा चला और सब कुछ अच्छा चला तो बिटकॉइन कितना ही ऊपर ही जा सकता है और पैसा कितना ही डबल हो सकता है, इसलिए सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बताया कि अगर ₹100 का इन्वेस्टमेंट अगर करते 2009 में तो आज वो ₹100 आपके 75 करोड़ हो जाते। अब अपन आगे देखते हैं कि आपको एक आम इंसान को, एक आम नागरिक, इंडिया के नागरिक के आखिर बिटकॉइन में निवेश करना चाहिए या न करना चाहिए, इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊँगा। तो किस किस कौन कौन सी रिस्क फैक्टर है बिटकॉइन में निवेश करने के, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अब हम बात करेंगे क्या बिटकॉइन में आम आदमी को निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या उसका निवेश करने से उसकी पूंजी सुरक्षित रहेगी, इसके बारे में अपन बात करेंगे। अभी अपन देखते हैं, मैं आपको कुछ पॉइंट साझा करूँगा, उस पॉइंट के माध्यम से देखिए कि आपको खुद को रियलाइज होगा कि आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें बहुत ही भारी उतार चढ़ाव होता है। ये बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है इसमें रातों रात हाई पे चली जाती है, रातों रात डाउन पे चली जाती है। अगर आपने कोई अगर ₹1 लाख अगर आपने इन्वेस्ट किया अगर बिटकॉइन में, तो वो एक रात में 10,000 भी हो सकते हैं और एक रात में वो 10 लाख भी हो सकते हैं। इतना बड़ा मूवमेंट इस बिटकॉइन में होता है, इसलिए इसको बड़ा मतलब बड़ी भारी मूवमेंट वाली करेंसी कहते हैं। सेकंड, नए कमोडिटी है
और न ये करेंसी है, कमोडिटी मतलब ना तो ये सोना है न चांदी है, कुछ भी नहीं है, न करेंसी न रुपए हैं न नोट हैं न किसी देश की मुद्रा है, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक डिजिटल करेंसी है जो सिर्फ आप कंप्यूटर पर खरीद फरोख्त कर सकते हो। ये आपके मतलब बैंक में भी कहीं जमा नहीं हो सकती, कहीं सुरक्षित नहीं हो सकती है। तो इसको अपन ये कह सकते हैं कि ये कमोडिटी है न करेंसी है, सिर्फ एक डिजिटल वैल्यू है। थर्ड, विश्व के बड़े बड़े बैंकों ने इसमें निवेश करने नहीं करने को कहा है। अब आप देख लो, जब बिटकॉइन एक ऐसी चीज़ है इसमें बड़े बड़े विश्व के बैंक हैं वो भी कह रहे हैं कि इसको इसमें आप निवेश नहीं करें। अभी लेटेस्ट चाइना ने भी इसके ऊपर बैन करने की भी वकालत की है कि इसको बैन होना चाहिए। यूएसए का सबसे बड़ा बैंक है जेपी मॉर्गन यूएसए का, उसने उसके सीईओ ने कहा था कि बिटकॉइन छुई मुई के पौधे से भी ज़्यादा संवेदनशील है। छुई मुई के पौधे के बारे में आपने सुना होगा, छुई मुई को हाथ लगाते कैसे वो सिकुड़ जाता है। तो जेपी मॉर्गन के सीईओ वो कह रहे हैं कि बिटकॉइन तो छुई मुई से भी ज़्यादा संवेदनशील है, मतलब देख लोगे आप अगर उसको हाथ लगाओगे तो वो इतना सा लेकिन बिल्कुल इतना सा एक नैनो ग्रुप में भी हो जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, और अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं रही और अगर आपने इतना सा खरीदा और इतना सा हो जाएगा तो भी आपको पता नहीं चलेगा। तो ऐसा बिटकॉइन है, इसलिए आप इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचें। फोर्थ, अब तक कोई रेगुलेटर नहीं है, ना आरबीआई है, ना एसबीआई है, एसबीआई है, वर्ल्ड बैंक या किसी देश का कोई कंट्रोल नहीं है। ये जो बिटकॉइन है इसके ऊपर इसका कोई रेगुलेटर नहीं है, अपने इंडिया में भी ना इसको आरबीआई कंट्रोल करता है ना इसको सेबी करता है, और ऑल ओवर वर्ल्ड में भी अगर कोई जैसे अभी अपन कुछ भी खरीद पकड़ते हैं वर्ल्ड बैंक है पूरा देश पूरा विश्व का, लेकिन यहाँ तो वर्ल्ड बैंक भी इस बिटकॉइन के ऊपर रेगुलेट नहीं करता है। कोई भी देश यूएस हो गया चाइना हो गया या संयुक्त राष्ट्र संघ भी हो गया तो बिटकॉइन के ऊपर कोई रेगुलेटर नहीं, कोई किसी के ऊपर रोक नहीं है। ये किधर भी आ जा सकता है, कितना भी ऊपर नीचे हो सकता है, इसको कोई भी कुछ कहने वाला है, कोई इसको रेगुलेट करने वाला नहीं है। इसलिए बिटकॉइन एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है, यह सबसे बड़ी बात है। फिफ्थ, भारत में अभी तक इसको कानूनी मान्यता नहीं मिली है। सबसे पहले ध्यान रखना कि अगर आप इस बिटकॉइन को खरीद फरोख्त कर रहे हो तो एक मतलब अपन कह सकते हैं कि कानूनी रूप में आप कुछ नहीं कर रहे हो। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो बिल्कुल आप लीगली आप कर सकते हो, लेकिन बिटकॉइन बिटकॉइन क्या है इसको आप कह सकते हैं कि आप इलीगली काम कर रहे हो। अगर आपको कुछ भी लॉस भी हो जाता है तो इंडियन गवर्नमेंट आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगी। अगर आपने 1 रुपये या 10 लाख कितने भी इन्वेस्ट किया अगर वो 0 भी हो गए तो वो आपके ऊपर रिस्क के ऊपर है। 2013 और 2017 में रिजर्व बैंक ने एक गाइडलाइन भी जारी की थी कि अगर आप इस बिटकॉइन में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये सिर्फ आपके ऊपर निर्भर है, निवेश करना या नहीं करना, इस नुकसान होना है प्रॉफिट होना है आपके ऊपर, इसके ऊपर गवर्नमेंट या आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं है, आप अपने स्व विवेक के ऊपर बिटकॉइन का निवेश करें। 2013 और 2017 में गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की थी। 6, इसको एक पोंजी स्कीम के रूप में भी जाना गया है। पोंजी स्कीम मतलब बहुत से ऐप भी देखे होंगे, बहुत सारी वेबसाइट भी आ रही है कि आप बिटकॉइन में निवेश करो, इतने रुपए हम दे देंगे, इतने साल में अपन डबल कर देंगे, एक साल में डबल कर देंगे, ऐसे तो बहुत सारे लोग इसको पोंजी स्कीम में रूप में यूज़ करके भी लोगों को धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रखें और एक सही सिस्टमेटिक रूप से ही आप कार्य करें। 7 है, इसको गैर कानूनी धंधों में भी इसको खूब उपयोग में लिया जा रहा है, जैसे कि आतंकवाद हो गया, माफिया हो गए, हैकर्स हो गए, फिरौती हो गए। मतलब आज का समय ऐसा हो गया कि लोग आपको रुपए और डॉलर की डिमांड नहीं कर रहे हैं, अगर किसी ने आपको अगर किडनैप किया है, आतंकवादी है, सब बिटकॉइन में लेन देन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार की नज़र नहीं है और इसको कानूनी मान्यता नहीं है, 2 नंबर में और खूब चल रहा है इसके ऊपर, तो इसीलिए गैरकानूनी धंधों में बिटकॉइन का उपयोग खूब हो रहा है। अब ये 7 पॉइंट मैंने आपको बताया, मैं अपनी राय बताता हूँ क्या आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आम आदमी को। तो मेरे हिसाब से अगर आप आम आदमी और आम इंसान और मध्यम वर्ग से रिलेटेड करते हैं और आपको लगता है कि अगर आपके पास कुछ सरप्लस पूंजी है, अगर जैसे मान लो आपको लगता है आपके पास 10,000 रुपये हो रहा, अगर वो 10,000 डालने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर डूब भी जाएंगे तो बिल्कुल आप इन्वेस्ट करिए। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो रहा, आपके 10,000 है वो भी आगे जमा पूंजी और उसको आप आगे चलाना चाहते हैं फ्यूचर में, तो इस बिटकॉइन में कभी निवेश नहीं करें। इसलिए बिटकॉइन में तभी निवेश करें जब आपको लगे कि यार आपको नुकसान सहने की क्षमता हो, आपको लगे कि यार 10,000 जाएंगे, मेरे को भूलना होगा उस 10,000 को, तभी बिटकॉइन में निवेश करें, अदरवाइज बिटकॉइन में निवेश आप आम आदमी कभी ना करें। इसी के साथ आज ही अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।